तो दोस्तों क्या हाल चाल है, सीटेट की तैयारी कैसे चल रही तुम लोग की? बढ़िया चल रही ना? अगर पेपर टू आपने भरा है तो साइंस का जो सेक्शन होता है हमारा 30 क्वेश्चन जो होते हैं, तो उसका मैं दिसंबर 2019 का सेक्शन कराने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर। हाँ, दिसंबर 2019 का जो पिछली बार अभी आया था। तो ये मेरा चैनल है टीचर ईफाई, जाके इसको अभी सब्सक्राइब करो। और इसके पहले मैंने यार अगर पेपर वन का आपने फॉर्म भरा है तो पेपर वन में ईवीएस का जो सेक्शन होता है उसमें जो मानचित्र और दिशा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैप से और भारत के स्टेट वगैरह जितने भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका मैंने एक बहुत खतरनाक वीडियो बना के रखा हुआ है, जाके देखो उसको, बहुत मस्त वीडियो है यार, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। तो चलो अभी तो इसको स्टार्ट करते हैं पेपर वन का साइंस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला यानी 61 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। एक्स जब एक्स आधिक्य में स्थापित होता है तो यह अपाचन जैसी संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर देता है, ठीक है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? तो यहाँ पे यार जब हम कभी खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारी एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी का मतलब एसिडी होगा कोई ना कोई, तो हमारा क्या कौन सा एसिड बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो वो हमारा एक्स जो होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो एसिडिटी हो जाती तो हमें क्या दिया जाता है, एंटासिड दिया जाता है ना, एंटासिड की टेबलेट दी जाती है। तो वो क्या होता है, एंटासिड बेसिकली होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारी एसिडिटी को थोड़ा सा कम कर देता है। तो एक्स हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाई जो हमारा है वो हमारा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये थर्ड ऑप्शन चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 62। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होती है कि इसमें से कौन सा है, सब में तो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। नहीं, यहाँ पे एक जो ऑप्शन है सेकंड, डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है ना, ईस्ट का प्रयोग होता है। और वाई जो है, जो ईस्ट हमारा है वो एक बैक्टीरिया नहीं होता है, है ना, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होता है बट वो बैक्टीरिया नहीं होता है, वो दोनों अलग अलग किंगडम से आते हैं, ठीक है। बाकी सबका प्रयोग जो होता है बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, दही बनाने में, गन्ने के रस के कीड़वन में और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, इनमें बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ठीक है। 63 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, मतलब चार में से कौन सा डिफरेंट है। वनोन्मूलन, वन को कम काटना पीटना जो है, मरुस्थलीकरण लगभग सेम लग रहा है, ठीक है, उसी से, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है ना। अपर्दन भी क्षरण हो रहा है किसी चीज़ का, तो यहाँ पे ये थोड़ा निगेटिव वर्ड है ना, सब निगेटिव है, यहाँ पे संरक्षण की बात कर रहा है यानी कंजर्वेशन की, प्लस पॉजिटिव वर्ड है ना, तो ये सकारात्मक वर्ड है, तो ये हमारा डिफरेंट नहीं होगा बाकी तीन से, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है HCl का यूज़ हो रहा है खाना पचाने में, तो ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन ही वहाँ पे होगा। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, O2 निकालते हैं, है ना, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है वहाँ पे, है ना। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन, श्वसन जस्ट इसका उल्टा होता है, हम लोग क्या करते हैं O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं, तो क्या यहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, नहीं, क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। उसके जो जैसे कि चीनी है, शरबत होता है, तो शरबत को हम पानी निकाल देते हैं तो चीनी बच जाती है ना, अगर हम पानी उसका निकाल दिया जाए, पूरी तरह से सुखा दिया जाए आग पे चढ़ा के, तो क्या होगा, वो क्रिस्टल उसके बचेंगे, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कणों के साइज यानी आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन मान सकते हो, साइंस का भी मान सकते हो, हर चीज़ का है, ईवीएस का भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। आप ये देखो साइज की बात कर रहा है, चट्टान यहाँ पे देखो, सेकंड ऑप्शन देखो, चट्टान सबसे बड़ी होती, किस में पूछ रहा है, आरोही क्रम में, यानी सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा, चट्टान बड़ी होती है, बजरी उससे छोटी होती है, रेत उससे भी छोटी होती है, जो गाद होती है वो उससे भी छोटी, जो मृतिका होती है वो उससे भी छोटी होती है। तो ये पैटर्न आप लोग को याद रखना है, कभी कभी तो साइज भी पूछ लेता है, ठीक है, अगर मैं कभी ढंग से पढ़ाऊंगा इसी को तो पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है। ये क्ले, सिल्ट और फिर ऐसे बढ़ते क्रम में होती है ना, कैसे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है हमारा, मृतिका होता है, फिर गाद होती है, फिर उससे बड़ा होता है रेत, फिर उससे भी बड़ी बजरी होती है, फिर उससे भी बड़ा चट्टान होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्रम सही है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मछली जो मत्स्य में जो है क्लोम की बात कर रहा है, क्लोम यानी गिल्स का कार्य क्या होता है, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना है, यार मछली जो है वायु से ऑक्सीजन ले ही नहीं पाती है। तो जैसे जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, नहीं गलत है ये, जल में
उपस्थित विलयी घुलनशील ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन होती है हमारी वाटर में जो डिजॉल्व होती है उससे अलग करती है ना, पानी को ऑक्सीजन से अलग करने का काम किसका होता है, गिल्स का होता है, जो हमारी मछली में होते हैं, है ना, तो वो उस वाली ऑक्सीजन का यूज करती है। तो पानी लेती है फिर निकाल देती है, आप लोग ये देखते हैं, तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन ले लेती है फिर पानी निकालती है, ठीक है। तो और ये ऑप्शन हमारा सही होगा, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना, नहीं नहीं गलत है ये। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि यहाँ पे ये सही था ना, याद करना, 67 की बात करते हैं, यदि संयोजक तार नहीं है, संयोजक तार मतलब एक तरीके से संयोजक मतलब जो जोड़े यार, है ना, संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया सकता है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कनेक्शन बनाने के लिए कुछ तार नहीं है तो क्या करोगे आप, इसमें से क्या किस चीज़ का यूज कर सकते हो, कागज़ की पट्टी का, कागज़ कुछ अलग होता है, रबड़ की पेटी कुछ अलग होती है, लकड़ी की छड़ ये भी कुछ अलग है, तो ये तीनों तो गलत हो गए ना। ब्लेड, ब्लेड मोस्टली आयरन की होती है यार, हम लोग जो घर पे ब्लेड यूज़ करते हैं सेविंग के लिए तो वो क्या होती है, आयरन की होती है, या उसके अलावा भी जो जितनी भी ब्लेड्स होती हैं वो सब आयरन या किसी मेटल की होती हैं, जो मेटल होते हैं हमारे क्या हैं, सुचालक होते हैं, इसलिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं, करंट जो है परिपथ हमारा पूर्ण हो जाएगा वहाँ पे। 68 की बात करें, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, हाँ अपने प्रतिबिंब को देख रही है, प्रेक्षण कर रही है, दर्पण उसकी दूरी दर्पण से 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, अब उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है, समझ लेना आप क्या कह रहा है, ये हमारा दर्पण है, ठीक है ना, ये हमारा दर्पण है, इधर वो खड़ी थी यहाँ पे कितना दूर, 5, अब वो कह रहा है कि इसकी इमेज जो बनेगी ये इसके और यहाँ पे क्या हुआ, हाँ एक चीज़ और, यहाँ वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, तो पहले यहाँ इस पोजीशन में थी तो 1 मीटर और चल रही, तो अभी वो इस पोजीशन में है ना, यहाँ पे है, तो ये किस, ये कितनी दूरी बची यहाँ पे, ये दर्पण है, ये हमारी मंजुला है, तो ये कितनी दूरी होगी, 4। तो अभी आप समतल दर्पण के बारे में अगर ये चीज़ ध्यान दें तो हमारा जो जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल समान आकार का बनता है ना, ये किधर बनता है, ये दर्पण के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा, यहाँ पे, यहाँ पे अगर मंजुला खड़ी है तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे दूरी कितनी पूछ रहा है उसकी, दर्पण और उसके प्रतिबिंब की, तो दर्पण ये 4 हो गई और उसका प्रतिबिंब ये 4, तो 4 4 8, ये टोटल 8 हो जाएगी, 8 मीटर, है ना, थर्ड ऑप्शन सही है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, तो निम्नलिखित में से, निम्नलिखित कथनों में से, नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, आवर्तकाल है, आवृत्ति है, ठीक है, ये रिलेशन हमको पता करनी है क्या सही है, तो हम पहले देखते हैं लोलक क्या होता है, लोहे का कुछ भी बांध दिया इसमें, और ये क्या है हमारा धागा है, जिसको अगर इधर लेके जाओ फिर छोड़ दो तो क्या होगा, यहाँ से आके वापस आ जाएगा, है ना, तो ये हमारी क्या होती है, जो सीधी जो है यहाँ पे हमारी साम्य अवस्था है, अगर हम बिल्कुल थोड़ी देर वेट करें तो क्या होगा, यहीं पर आके रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा तो हमारी सामने अवस्था है, इसी के दोनों तरफ कर रहा है ना आंदोलन। अब यहाँ पे देखो ये है क्या, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा आवर्त है ना, एक चक्कर जो होता है पूरा एक चक्कर जो लगाया हुआ है इसको आवर्त बोलते हैं, आवर्त है ना। अब यहीं पे आवृत्ति देखो क्या होता है, यानी 1 सेकंड में कितने दोलन करती है, 1 सेकंड में कितने दोलन, है ना। अब अगर देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3 सेकंड में 30 दोलन करती है, तो 1 सेकंड में कितने करेगी यार, सीधी सी बात है 30/3 है ना, 10, यानी 10 हर्ट्ज, इसका जो मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज होता है आवृत्ति का, है ना, तो 10 हर्ट्ज, ये तो सही हो गया हमारा, एक चीज़ इसमें से पता चल गया हमको। अब आगे की बात करें तो आवर्त क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, अगर हम आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल होता है आवृत्ति का उल्टा, आवर्तकाल होता है 1/ आवृत्ति, यानी फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी को ही क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं ना, 1/ आवृत्ति। अगर आवर्तकाल की डेफिनेशन देखें क्या होता है, तो डेफिनेशन होती है कि मतलब जो ये है जो बॉब है या जो लोलक है, एक बार में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया, आवर्तकाल समझो ना, आवर्त का काल है ना, एक आवर्त का काल ही तो पूछ रहा है यार, वही थी समझो ना, एक आवर्त में कितना टाइम लिया, तो इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके क्या होता है, 1/f होता है ये, है ना, तो यहाँ पे क्या हमको f पता चल गया 10, तो 1/10 रख दो तो हमारा कितना हो जाएगा 0.1, यानी 0.1, तो यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन कौन कौन सा हमारा सही हो सकता है, ये हमारा हो जाएगा
आवर्तकाल है 0.1 और आवर्ती है 10 हर्ट्ज़। सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा लोलक के बारे में, आवृत्ति, आवर्तकाल और आवर्त जो भी चीज़ें हैं ना, फॉर्मूला भी ऐसे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये कह रहा था कि नंबर ऑफ दोलन है ना, कितने दोलन करता है और नीचे कितने सेकंड में करता है ना, ये चीज़। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर, गलत कथन पहचानिए। बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है मशीन के भागों के बीच में घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। यार अब ये देखो, बॉल बेयरिंग जो होता है हमारे जो पंखे में कभी यूज़ होते हैं, जो हमारा घूमता है ना कहीं पहिए में, आपने देखा होगा बेयरिंग्स लगे होते हैं यहाँ पे। ये देखो ये हमारी ये सॉफ्ट है, इसके नीचे किनारे किनारे छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं, ग्रीस वगैरह भरा रहता है। तो इसका यूज़ क्या है, ये हमारा पहिया है मान लो, है ना, ये हमारा पहिया है, ये हमारे बेयरिंग्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ग्रीस वगैरह यूज़ करते हैं तो घर्षण को कम करने के लिए, अगर हम डायरेक्टली सॉफ्ट में पहिया फंसा दें तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग जो घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं, नहीं, यही हमारा गलत ही है। लेकिन फिर भी चार ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब ऑप्शन के साथ गलत पूछ रहा था ना, तो ये हमारा सही है ऑप्शन के हिसाब से। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच में घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, अगर आप दो सरफेस को मान लो, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, दूसरा ऊपर देते हैं, ठीक है, तो रखो कुछ ना कुछ, चाहे जितने भी चिकने क्यों ना हो, है ना। अगर चिकनाहट क्या मतलब है, जितना ज़्यादा चिकना होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन कम होगा ना। अगर चाहे जितना भी चिकने क्यों ना हो फिर भी फ्रिक्शन रहेगा, अगर दोनों के बीच में हवा भी है तो कुछ ना कुछ तब भी फ्रिक्शन आ ही जाएगा। लोटनिक घर्षण मतलब जैसे ये होता है ढाल है यार, तो ये अगर हमने ये ढाल है तो ऊपर कुछ रख दिया तो ये नीचे लुढ़कता आता ना, ऐसे लुढ़क ऐसा ऐसे जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण होता है कि ये सर्फेस कोई है तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ जैसे कि कोई बॉक्स रख दिया लोहे का, है ना, अब इसको उसमें पुश करो, धक्का दो, तो ये ऐसे ही लुढ़क ऐसे खिसक के, है ना, खिसकना कह सकते हो इसको, ये होता है सर्पी घर्षण। तो लोटनिक घर्षण जो होता है, जैसे कोई चीज़ ऐसे ऊपर जैसे गोल है ना, डालो तो वो लुढ़क के आएगी ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा कम है इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाए, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। बिल्कुल सही बात है ना, गंदा हो गया पेज है, चलो ठीक है, फिर भी अगले लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है कि। चौथा, किसी तरल में, कोई तरल पदार्थ है, तरल में गति करते किसी पिंड पर, ठीक है ना, घर्षण बल उसके आकृति पर निर्भर करता है। यानी तरल की अगर हम समंदर में अगर जहाज की बात कर लें तो क्या उसके आकृति पर निर्भर करेगा फ्रिक्शन, है ना, तो ये तो सही है। तुम्हारा पहला ऑप्शन गलत था, बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया था घर्षण में वृद्धि कम करने के लिए यूज किया था, ना कि बढ़ाने के लिए, है ना। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो पहला देखते हैं, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है, कर सकता है। तो ये इसको देखते हैं, आयरन क्या होता है, Fe होता है प्लस जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। अब इसको क्या कर देगा, Zn को बाहर निकाल देगा, यानी Zn यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये खुद जुड़ जाएगा इससे, है ना, एक्टिव जो उससे है रिएक्शन करके, तो क्या हो जाएगा FeSO4 बना लेगा ऐसा कुछ करके, है ना। तो क्या ऐसा होता है, विस्थापित कर सकता है क्या, तो इसके लिए क्या होता है, जो ज़्यादा एक्टिव होगा वही तो दूसरे को विस्थापित कर पाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है हमारा जिंक, फिर उससे भी कम एक्टिव होता है आयरन यानी Fe, और उससे कम होता है कॉपर, यानी कॉपर सबसे कम एक्टिव है और Zn सबसे, जिंक जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो जो ऊपर होगा, जो हमारा ऊपर है, जो ज़्यादा एक्टिव हो दूसरे को विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, आयरन जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करेगा, तो आयरन जिंक को कर सकता है क्या, आयरन तो नीचे है तो नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को, यानी जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर को विस्थापित कर देगा, भाई Zn ऊपर है जिंक ऊपर है तो कॉपर को कर देगा ना, तो ये सही हो जाएगा। कॉपर आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करता है, यानी कॉपर आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर तो नीचे है, तो उसकी जो खुद ही एक्टिव कम है, जो खुद एक्टिव नहीं है तो दूसरे को क्या विस्थापित करेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 71 का बी ऑप्शन सही है हमारा, है ना, ठीक है, समझ में आया ना, नहीं आया तो बताइए एक बार फिर से कमेंट में, बताओ फिर से बता देंगे एक बार। 72 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का तापमान मापने के लिए किया जाता है, नाप सकते हो लेकिन उसकी डॉक्टरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है बहुत कम होती है, तो उबलते द्रवों का यूज़ करने के लिए जो हमारा
सही नहीं रहते हैं, तो मेरा गलत हो जाएगा। कमरे का तापमान मापने के लिए के थर्मामीटर का परिसर 30 से 100 होता है। या कमरे का तापमान तो हमारा अगर एसी चल रही होती तो 12-13, 21-22 भी कर लेते, जितना मन करे उतना करो, है ना। तो यार ये तो गलत है। थर्ड को ऑप्शन की बात करते हैं, प्रयोगशाला, जो प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री होता है। थर्मामीटर हम प्रयोगशाला में अगर कोई चीज़ प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर नापने के लिए द्रव को भी गर्माते भी हैं, ठंडा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या उनको ज़रूरी है 35 से 42 तक ही हमारा जो हम प्रयोगशाला में यूज़ करेंगे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर जो होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर से ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि यार प्रयोगशाला की हम डॉक्टरी थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर यूज़ करने के लिए होता है ना, जो मनुष्य होते हैं उनका टेम्परेचर यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, तो उनका टेम्परेचर कितना बहुत कम दूर तक वेरी करता है ना, उनका परिसर थोड़ा कम होता है। लेकिन जो प्रयोगशाला में, तो हमारे टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा लो होता है, ये तो बहुत ज़्यादा ऊँचा होता है। तो ये सही है हमारा, है ना। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर के परिसर से अधिक होता है। चलो ठीक है, 73 की बात करते हैं, गलत की पहचान करना। ध्यान रखो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, केरोसिन का कैलोरी मान उष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। केरोसिन कोयले से अच्छा, मतलब उष्मीय ज़्यादा उष्मीय मान उसका होता है केरोसिन का कोयले से। हाँ ये सही है। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी से होता है, यानी जो बेटर एनर्जी देता है, मतलब सेम अमाउंट। कैलोरी मान क्या होता है, सेम अमाउंट, मतलब बराबर वजन की चीज़ जलाई जाए और फिर उष्मा ज़्यादा कौन देगा, इसी की तो बात कर रहे हैं। अगर लकड़ी हो आपके पास और कोयला हो, यानी पत्थर कोयले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन ज़्यादा उष्मा देगा, कोयला ही देगा ना, तो उष्मीय मान उसका ज़्यादा होता है। बायोगैस का कैलोरी मान LPG के कैलोरी मान से अधिक है, ये हमारा गलत है। अगर बायोगैस अगर 1 ग्राम जलाई जाती है और LPG अगर 1 ग्राम जलाई जाती है, तो LPG ज़्यादा एनर्जी देगी, ना कि बायोगैस। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। CNG का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है, ये भी सही है, है ना। CNG जो होती है डीजल से ज़्यादा अच्छा उष्मा देती है और प्रदूषण भी कम होता है। 74 की बात करते हैं, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 की स्पीड से चलती है और अगले 18 मिनट 40 की स्पीड से चलती है, इस समय की अवधि में कुल दूरी तय करती है। तो हाँ, तुमको क्या निकालना है, कुल दूरी एंडिंग डिस्टेंस निकालनी है। तो यार सिंपल सी बात, एक फॉर्मूला याद करते हैं हम हमेशा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमको क्या निकालना था, दूरी निकालनी है, तो दूरी यहीं पर रखे रहो, है ना। अब ये इसके बराबर को जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी चाल गुणे समय। 50 फॉर्मूले नहीं बनाएंगे यार हम, 50 फॉर्मूले नहीं याद कर पाएंगे, एक ही फॉर्मूला याद करो उसी से बनाओ। तो हमको क्या करना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय करना है। तो हमको क्या पता है, यहाँ पे दूरी निकालनी है, चाल भी पता है और समय भी पता है। बट यहाँ पे चाल किलोमीटर पर आर में है, मतलब प्रति घंटे में है, और यहाँ पे 12 मिनट में है। तो हमको क्या है, इस मिनट को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा ना। तो पहले लेकर देखते हैं क्या हो जाएगा, 12 मिनट, यानी मिनट को घंटे में बदलो, 60 से डिवाइड कर देंगे ना, 60 मिनट से, तो हमारा घंटे में बदल जाएगा। और ये 50 तो है ही है, तो 12 × 5 = 60 है ना, 12 × 5 = 60, और 5 से कट जाएगा, यहाँ बचाएगा 10। तो पहली बार में, यानी 12 मिनट में कितना चला जाएगा, 10 किलोमीटर। अब अगले 18 मिनट की बात करते हैं, यहाँ देखो 18 × 40, और ये हमारा 18 मिनट में है, तो इसको घंटे में बदलो, तो फिर 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा, तो 6 × 6 = 6, 6 × 3 = 18, है ना, 6 × 3 = 18 कट जाएगा, और 4 × 4 = 12 किलोमीटर। यानी अगले 18 मिनट में कितनी दूर जाएगी, 12 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ दो, है ना, दोनों को जोड़ दो, 10 + 12 कितना हो जाएगा, 22। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, आए समझ में। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, यानी पृथ्वी, सूर्य ये रहा, ये पृथ्वी, ये इसके आवर्ती गति कर रही है बिल्कुल, क्योंकि फिक्स टाइम में करती है और अपने ही पथ पर चलती है, तो आवर्ती गति तो है ही है। तो प्रकाश रेखीय गति से चलता है, भाई टॉर्च ऑन करो कैसे जाता है, प्रकाश है सीधे जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत की पहचान करनी, ध्यान रखना, सितार के कर्षित तार, यानी कर्षित मतलब खिंचा हुआ, है ना। तो इसको अगर ये तार है, मान लो किसी तार का टाइट बंधा हुआ है, इसको अगर पकड़ के खींचो तो क्या होता है, ये क्या होगा, वाइब्रेशन करने लगेगा, बीच में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, फिर इसका वाइब्रेशन धीरे धीरे किनारे, इसको मतलब अपना डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हो जाएगा ना, सबसे ज़्यादा बीच में हिलेगा। तो अभी क्या है, तो ये दोलन गति है बिल्कुल भाई, अपनी साम्यावस्था के दोनों गति करता है ना तार, ऐसे से पूरा पूरा तार ऐसे जाएगा ना, तो ये सही, ये भी सही है। सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल, यानी वृत्ताकार होती हैं,
ठीक है ना। वर्तुल का मतलब वृत्ताकार। अभी यहाँ पे सूर्य की बात करें तो वृत्ताकार थी, अगर हम लोलक की बात करें, ये देखो यहाँ पे ये लोलक है, तो क्या ये वृत्त है? क्या ये वृत्त है? आप लोग बता दो, ये वृत्त नहीं है, ये वक्र हो सकता है लेकिन ये वृत्त तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सभी आवर्ती गतियाँ वृत्ताकार गतियाँ होती हैं? नहीं, वो रेखीय भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। 76 की बात करते हैं, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है कि अगर यार समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसके सामने खड़े हो, क्या हम उल्टे हो जाते हैं? नहीं, उल्टे तो नहीं होते हैं, सीधे रहते हैं ना, तो सही बात है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है? नहीं, आभासी होता है, प्रतिबिंब इसका आभासी होता है। तो आभासी का यार मतलब एक्चुअली समझ में नहीं आता बहुत लोगों का है। तो आप ये देखो, यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी है और यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो इसका जो इमेज बनती है ये दर्पण हमारा, तो ये ऐसे आती है, ऐसे मान लो यहाँ पे टकरा दी और इसके बाद क्या होगा, और यहाँ पे इमेज जो बनेगी हमारी, इमेज जस्ट अपोजिट बनती है, यहाँ पे हम दूसरे दर्पण के दूसरी ओर बनती है इमेज, ऐसे करके ये जाएगा, है ना, ये आगे मिलेगा, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये हमारी टकरा के वापस आँख पे आ जाती हैं, है ना, ये टकरा के वापस आँख पे जो हमारी रेज यहाँ से निकलती हैं, तो ऐसा करके है कुछ, है ना, यहाँ पे ये वस्तु है, तो ये हमारा आभासी बनता है ना, इसको पर्दे पे नहीं ले सकते हम कभी भी, ठीक है। तो ये हमारा वास्तविक होता है? नहीं, ये गलत हमारा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का क्या मतलब है यार, आप लोग कभी समतल दर्पण के सामने, इतना प्रैक्टिकल तो कर ही डालो यार तुम लोग, बुक उठाओ शीशे के सामने लेके चले जाओ, कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। अच्छा, जैसे ये लिखा है, ये बी बिंब में से बिंब ऐसे लिखा है, तो वो वहाँ पर कैसे दिखेगा पता है? ये ऐसे लिख के आएगा, ऐसे लिख के आएगा, ऐसे कुछ करके लिख के आएगा, है ना, उल्टा अच्छा लगेंगे। तो इस तरीके से ये सीधा प्रतिबिंब उल्टा, मतलब जैसे कि ये ऐसे खड़ा है तो ये ऐसे बन जाए, एक ये उल्टा हुआ, और पार्श्व परिवर्तित होना का मतलब कि अगर ये हमारा मान लो कैसे क्या बताएं यार, डी है, ये डी है, तो ये कैसे डंडी यहाँ पे खींचती ना डंडी, तो ये ऐसे हो जाता है, ये हमारा पार्श्व है। पार्श्व परिवर्तित होता है? बिल्कुल होता है, ये सही है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। हम लोग कभी शीशे में देखते हैं तो कभी छोटे बड़े नहीं हो जाते हैं। हाँ, अगर हम गाड़ी का शीशा यूज़ करते हैं, यानी जो हमारा जो मिरर होता है, जो गाड़ी में हमारे टू व्हीलर में लगा होता है ना आगे, तो वो हमारा समतल दर्पण होता ही नहीं पहली बात, तो इसलिए हम कभी छोटी चीज़ें हमको दिखती हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर कौन कौन सा सही हो गया हमारा, ए बी सी और डी, ए सी डी, प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, और ये ठीक है। ए सी डी ढूंढो यार, कहाँ पर गया ए सी डी, ये सेकेंड ऑप्शन आया समझ में। 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो विज्ञान सीखने का अंतः विषयक क्षेत्र है, यानी साइंस इज ए इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, ये तो सही लग रहा है यार। विज्ञान हमेशा अस्थायी रहता है, अस्थायी रहता है, गलत, ये तो स्थायी रहता है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे विज्ञान हमेशा अस्थायी रहता है, तो यार विज्ञान तो यार स्थायी है यार, कहीं भी जाओगे है ना, विज्ञान तो स्थायी रहता है, मुझे लगता है यार इस तरीके से। इसके बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन उन्होंने ऑप्शन दिया था, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते फिर भी। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, संदेहवाद को बढ़ावा देता है क्या? नहीं देता है, वो तो संदेह को थोड़ा कम करता है। और तो यहाँ पे दो देखो, दो ऑप्शन गलत हैं। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, सेट ऑफ फैक्ट्स, भाई फैक्ट्स तो थोड़े बहुत होते ही हैं, है ना, फैक्ट्स होते हैं साइंस में, कि जो चीज़ जैसी है वो चीज़ वहाँ पे हमेशा ही रहेगी अगर इस तरीके से बात करें। तो अब ये देखो यार, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, तो ये बड़ा डाउटफुल है यार, क्या बताएं इसको अब हम, ठीक है, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ आगे कुछ भी। 78 की बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्य 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए? विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, बच्चे के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, कक्षा कक्ष संस्कृति के, नहीं यार बच्चे के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, बस खत्म बात। शिक्षक को तो वैसे भी मतलब नहीं रखते हैं इसी डेट वाले। 79 की बात करें, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि
क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होती है। वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होती है। तो इसकी अगर बात करें तो संज्ञानात्मक ऐतिहासिक का तो बिल्कुल ही नहीं है, पर्यावरण संबंधी भी कुछ नहीं, मतलब है प्रक्रियात्मक यानी प्रोसेस की बात कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा हमारा प्रोसेस की बात होती है ना, प्रक्रियात्मक की बात होती है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है 79। 80 की बात करते हैं। चलो अनु यार ये तो मेरा नाम है, अनुपम जैसा पूरा, ठीक है सॉरी। कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है, ठीक है भाई लेके जाइए। फिर क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो यह बच्चों के मध्य अंतः क्रिया को प्रेरित करता है, बिल्कुल करता है। या ठोस अनुभवों को प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है, बिल्कुल यार। हम जो चीज़ ठोस अनुभव का क्या मतलब है यार, हम ऐसे अनुभव जिनको हम रियल लाइफ में देख सकते हैं, चूंकि कर सकते हैं, ऐसे अनुभव की बात कर रहा है, ठोस अनुभव है ना। तो बढ़ावा देता है कौशल को, बढ़ावा तो बिल्कुल देता है यार। बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ने की बात कर रहा है यार, तोड़ता है नहीं, ये गलत है हमारा। तो आप देख लो कौन सा उपयुक्त सही हो सकता है। तो ए बी सी सही है हमारा, देख लो। हाँ ये पहला ऑप्शन ए बी सी सही है, ठीक। चलो 81 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये बिल्कुल होना चाहिए। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बिल्कुल है। अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय भाषाओं पर बल देना, लो यार पाठ्यपुस्तक पर की परिभाषा बल देंगे क्या हम? नहीं भाई। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो सेंटेंस सही है यार, लेकिन ऑप्शन क्योंकि नहीं पूछा है तो चौथा सही है, पास है, ठीक है। 82। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन, समालोचना का मतलब क्या था, क्रिटिक्स होते हैं ना हम देते हैं जैसे मूवीज वगैरह आती है, तो क्या है क्रिटिक्स होते हैं उनके, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो उनकी बात कर रहे हैं, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। तो क्या है, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना, यार ये देखिए क्या पाठ्यपुस्तक, हाँ उनका अगर हम कहें कि पाठ्यपुस्तक पढ़ने की बात कर रहा है, सेंटेंस पढ़ो पहले, सब तो ऑप्शन पढ़ो। बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, और पढ़ो। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा करने और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय टीचर। तो यार इसमें ये थर्ड ऑप्शन होगा, है ना, सही सब हैं, ऑप्शन कथन सब सही है। हम बच्चों को पाठ्यपुस्तक पढ़ने से क्यों मना करेंगे भाई, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। अधिगम विस्तार की बात करता है, पाठ्यपुस्तक के बिना अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, बिल्कुल अच्छी बात है। शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, ये भी सही बात है। लेकिन समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा कब देगी, जब बच्चे आपस में समूह चर्चा करेंगे और इसे बड़े समूह में साझा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो किसी चीज़ का सही पक्ष गलत पक्ष, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से समझना है, तो ये सब चीज़ें शेयर करेंगे, तो यही समालोचना होती है ना। अच्छी बुरी बातें दोनों के बारे में, मतलब आलोचना एक तरीके से देखो ना, समालोचना है ना। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। 83 की बात करते हैं। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड मतलब स्टार्च की बात कर रहा है, मंड इंग्लिश में होते हैं स्टार्च का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। तो उपरोक्त कथन में रेखांकित सबसे संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है प्रदर्शन। प्रदर्शन मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, एक तरह यहाँ पे देखिए डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, ठीक है। तो हाँ तो क्या मतलब होता है, सृजन करना देखते हैं यहाँ पर, कोई मतलब नहीं, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना या बोध करना। तो बोध थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, अप्लाइंग यानी अनुप्रयोग करना है ना भाई। आके बच्चा कोई डायरेक्टली तो क्लास में कोई सारा रासायनिक परीक्षण करने लेगा, उसको पढ़ाया गया होगा, अब उसको वो अप्लाई करके दिखा रहा है। प्रदर्शन करना ना मतलब रासायनिक परीक्षण, वो टेस्ट वो पूरा प्रैक्टिकल करा के दिखा रहा है। तो क्या हो रहा है, हम पहले रूल्स पढ़ते हैं, पहले चैप्टर पढ़ाता है, फिर उससे संबंधित हमारे जो प्रैक्टिकल करा जाते हैं ना, तो वही कर रहा है वो। तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 84। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? अब यार बहुत से नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, कंफ्यूज करते हैं बस हमको।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? विज्ञान क्लब की स्थापना बिल्कुल करेगी यार, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कर सकती है, विज्ञान का कोना बनाना बिल्कुल करेगी, कक्षा में व्याख्यान सुनाना कुछ साइंटिफिक हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो यही हमारा सही ऑप्शन रहेगा। लिसनिंग टू लेक्चर इन क्लास, खाली लेक्चर सुन के थोड़ा कुछ हो जाएगा यार, बच्चे को गतिविधि तो कराने दो, गतिविधि की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो पहले गतिविधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 85, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है? अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, तो ये सभी हैं। और यहाँ पे देखो चौथा क्या है, सत्र अंत उपलब्धि जो हमारा लास्ट में सालाना परीक्षा होती है, तो वो क्या होगा, हमारी सीखने की कमी को पता लगा सकती है क्या? नहीं, वो तो हो गया, जैसा पढ़ पाए है ना, बस फाइनल आंसर आ गए, साल भर कुछ ना गया, फेल हो गए, तो क्या मतलब है ना, तो ये हमारा सीखने की कमी का पता नहीं लगा पाता है, बाकी हमारे तीन पता लगाते हैं, तो हमारे ए बी और सी सही है हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इनको यार इनको देखो, जितने भी ये चीज़ें दी हुई ना, इनको मैं अलग से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सबको एक एक वर्ड समझाऊंगा मैं कि यार इनका मतलब होता क्या है, तब समझ में आएगा आप लोगों को क्या होता मतलब। ठीक है, 86 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? मौखिक परीक्षण, मौखिक में अवलोकन होता है क्या? नहीं होगा। लिखित में नहीं, कागज पेंसिल परीक्षण वो भी नहीं है। वर्णन अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, अवलोकन की बात कर रहा है और एनेक्डोटल रिकॉर्ड यहाँ पे देखो ना इंग्लिश में दिया हुआ है। तो वर्णन अभिलेख क्या होता है? वर्णन अभिलेख एक्चुअली क्या बनाया जाता है, टीचर्स के द्वारा बनाया जाता है। इसको मैं ढंग से फिर से और अच्छे से बताऊंगा। टीचर्स जो हमारे विद्यालय से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उन्हीं को एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और बहुत क्लियर नहीं है, बट थोड़ा और ढंग से समझाऊंगा मैं। 86 हो गया हमारा, 87 पे आते हैं। 87, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, बिल्कुल सही है, पश्मीना शॉल बकरी के सालों से बनता है भाई। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी सही है। अंगोरा ऊन जो होती है, अंगोरा खरगोश होता है, अंगोरा खरगोश के बड़ा बाल होते हैं लंबे लंबे से, है ना, तो उससे प्राप्त होती है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ऊंट की ऊन कॉर्पेट यानी जो हमारी चटाइयाँ होती हैं या फिर दरे बनाने में, मतलब वही चटाइयाँ बनाने की बात कर रहा है। कॉर्पेट यार या बिछाने वाली चीज़, कोई भी फर्श के ऊपर बिछाते हैं ना कॉर्पेट हम लोग, जैसे उसकी बात कर रहे हैं। कब प्रयोग होता है? बिल्कुल होता है, ये भी सही है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, पश्मीना ऊन खरगोश से नहीं, पश्मीना बकरी से, अंगोरा खरगोश से, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तुम्हारा ए बी सी सही होना चाहिए, ए बी सी। तो यहाँ पे देखो, ए बी सी कोई है नहीं यार, ए बी सी तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, इसीलिए इसका ऑप्शन शीटेट ने जब पहली आंसर की उसने दी थी, तो उसने 9 दिया था, ऑप्शन नंबर 9 का सीटेट में मतलब होता है कि हमारा क्वेश्चन ही गलत है, हमने ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। वो सीटेट ने खुद उस क्वेश्चन को गलत मान लिया था, है ना, लेकिन फिर भी हमारा क्या देखते हैं, ए बी और सी हमारे ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, ए बी सी तीनों सेंटेंस सही है हमारे। 88 की बात करते हैं, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड होता है, बहुत लंबा, ठीक है, बहुत सी मांसपेशियाँ होती हैं भाई, मांसपेशियाँ भी हो गई। आगे धकेलने के लिए शरीर में अनेक वलयों में बड़ा, तो सर्प है, केचुआ, केचुओं में भी वलय होते हैं लेकिन उसमें मेरुदंड नहीं होता है, घोंगा में मेरुदंड भी शायद नहीं होता लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग सी होती है, तो शायद वो भी नहीं है। अंकुश कृमि में भी नहीं है, ये हमारा कौन सा है, सर्प है, सर्प बड़ा लंबा होता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है, लंबा मेरुदंड पाया जाता है, हड्डियाँ होती हैं इसके लंबी, जैसे हमारी रीढ़ गड्डी होती है बिल्कुल सेम वैसी हड्डी इसकी होती है, और फिर इसका भी वो होती है, कभी इसके ऊपर एक कवर रहता है, इसको गाँव में केचुल बोल देते हैं, है ना, केचुल बोलते हैं, वो उतार देता है पूरा, सांप निकल जाता है इसकी पूरी कवरिंग, ऐसा लगता है बिल्कुल सांप ही है, बिल्कुल सांप होता है, कवरिंग होती है, खाल पूरी समझ लो, है ना, तो उसमें बना होता है नीचे ऐसे करके, आपने कभी मूवीज में देखा होगा तो ऐसे दिखाते हैं कि उसके नीचे का ऐसा पोर्शन होता है, तो ये हमारे वलय होते हैं। ठीक है, 89 की बात करने, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। हमारा हार्ट होता है तो धमनियों का काम ये होता है कि शुद्ध रक्त को लेके जाना, बट फिर भी इसका एक अपवाद होती हैं, धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं, शरीर से बाहर ले जाती हैं। इसका और एक धमनी होती है हमारी, जो पल्मोनरी धमनी होती है, जिसको हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, तो वो हमारा CO2 से युक्त हमारी जो रक्त होता है वो कहाँ लेके जाता है,
फेफड़ों में लेके जाता है, वहाँ से फिर फिल्टर होता है, फिर पल्मोनरी होती है, एक पल्मोनरी शिरा होती है जो शुद्ध रक्त लेके जाती है। और शिराओं में कैसा रक्त होता है? CO2 युक्त यानी अशुद्ध रक्त होता है। तो ये दोनों अपवाद होती हैं, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा दोनों अपवाद होती हैं। तो यहाँ पे सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं? नहीं, यहाँ पे गलत, कौन सा सही नहीं है उसी की बात कर रहा, तो ये तो नहीं है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें सेंटेंस में से ये दोनों ही सही हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक सिरा, एक धमनी ऐसी भी तो है जो हमारी CO2 लेके जा रही है फेफड़े में, है कि नहीं। बट सीटेट ने इसको पहला ऑप्शन माना है, उनके हिसाब से ये ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे अगर ये सही सेंटेंस अगर मानते हैं तो उनके कहने का मतलब ये है कि अन्य भागों में तो ले जाती है लेकिन फेफड़ा इन्होंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, तो इस वजह से ये सही है। बाकी धमनियों की भित्तियाँ क्या होती हैं? मोटी होती हैं भाई, बिल्कुल मोटी होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हमारा जो रक्त होता है बहुत तेज़ प्रेशर से आता है ना, तेज़ प्रेशर से आता है, तो उसकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, धमनी प्रत्यास्थ होती हैं, इलास्टिक होती हैं, मतलब वो खींच जाती हैं, कभी मोटी पतली हो जाती हैं, तो इलास्टिक होती हैं। ये सही है हमारे, ये और पहला तो सही है, ये पहला गलत है और ये तीनों सही मान लिए उन्होंने, ठीक है। तो 59 का पहला, 90 की बात करते हैं, कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करने की बात कर रहा है, मिलान की बात कर रहे हैं, चलो भैया कर लेते हैं। एसिटिक एसिड हमारा सिरका होता है, सीधे सिरका जाओ। लैक्टिक एसिड दूध या दही से संबंधित होता है हमारा। ऑक्जेलिक एसिड हमारा संबंधित है हमारा किससे? पालक से। और एस्कॉर्बिक एसिड हमारा किससे संबंधित है? नींबू वंश के फलों में। हम लोग कन्फ्यूज आते हैं एसिटिक एसिड को नींबू में लगा के चले आते हैं, नहीं गलत है। डी इज 3, तो हमारा फर्स्ट का फोर्थ, देखो ए का फोर्थ है, हाँ ये। आप लोग कभी भी कंफ्यूज हो तो आपको जो पता हो ना उससे लगाओ ना। हमें मान लो एस्कॉर्बिक का पता है, एस्कॉर्बिक 100% पता है, डी का 3, तो अब देख लो डी का 3 कोई है, तो डी का 3 कम से कम इन दो ऑप्शन को तो नहीं लगाएंगे ना यार हम, हमारी 50% चांस तो सही होने के हो जाएंगे अगर नहीं भी पता होता तो, है कि नहीं। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं पेपर में। तो यार हमारे ये 30 क्वेश्चन हो गए, 61 to 90 साइंस का सेक्शन हो चुका हमारा है, और आगे अब मैथ्स का बचा है, मैथ्स का मैं कराऊंगा बाद में। तो यार अभी हम लोग का यार चैनल क्या है, हमारा चैनल आपका भी है यार, TEACHERIFY, इसको जाके सब्सक्राइब करो। और यार मैं जो बताओ यार, आप लोग टॉपिक कमेंट में बताओ यार, मैं बता दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा यार, क्यों परेशान हो, ठीक है ना। और प्रैक्टिस सेट करो भाई, प्रैक्टिस सेट के अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं है, हम तो कर रहे हैं। अगर कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है तो प्रैक्टिस सेट के अलावा ज़िंदगी में उसकी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं फिर से, बाय।